Hi, मैं हूँ शिवांगी जोशी एंड यू आर वॉचिंग बरसातें. सब्सक्राइब टू सेट इंडिया चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर फ्रॉम बरसातें. कम ऑन गाइस, हम लोग कितने स्लो हैं यार, फोन नहीं उठा रहे. कैसा चल रहा है काम? ऑल्स वेल, यू टेल मी. दैट इज सो एक्साइटेड. अरे रफीक मियां, कैसे हो यार, फोन क्यों उठा रहे हो? लगता है तुम्हारे डैड की एक्साइटमेंट और मेरे दोस्त का हार्ट फेल दोनों साथ में होने वाला है. सो फनी जो है, बट मैं दूसरे एक्साइटमेंट की बात कर रही हूँ. You know, तुम्हारी पर्सनल लाइफ की एक्साइटमेंट. Come on, मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं. Oh, please. तुम लंदन में भी ऐसे ही शर्माते थे क्या? थोड़ी हिम्मत दिखाओ यार. बारात में so happy. और वो चाहती है कि तुम कुछ कहा उसने? वो और किमी दी दोनों घर पे ही है और उनकी खुशियों की कोई सीमा नहीं है. यू नो व्हाट आई मीन? वैसे वो पूछ तो रही थी तुम्हारे बारे में. सच में? और क्या क्या पूछ रही थी? यही एक्साइटमेंट और उतावलापन मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए देखना चाहती थी जय. तुम्हारा और मेरा बचपन का साथ है, सब हमें एक साथ होते देखना चाहते है. और तुम उस आराधना के लिए. उसे तो मैं ऐसा घुमाऊंगी. कहाँ खो गई? बताओ ना, क्या पूछ रही थी? वही सब जो अक्सर लोग प्यार में कहते हैं. इसका सही चल रहा है. न्यू स्टोरी के लिए मुझे बोल रहा है फोकस कर. अनिया खुद अपनी सेटिंग को बुला कर बैठा है और कान में चांदी जिस पर खेल रहा है. वाह बेटा वाह, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है गाइस? तू चैनल लॉन्च कर रहा है, खुद को लॉन्च कर रहा है? तुम इसकी बातों का ज्यादा बुरा मत मानना, ये तो है ही एक नंबर का इडियट. जाओ ना, जाके अपना काम कर. चीकी, तुम मेरे दोस्त को डिस्ट्रैक्ट कर रही हो. और ऐसी क्या बातें कर रही हो जो इस पर कर रही हो? अब देखो कीकी, तुम ना इसकी बातें पे ध्यान मत दो. तुम कॉफी पियोगी ना? तो मैं अभी लेकर आता हूँ. ये जो भी बोले ना, एक कान से सुनना दूसरे से निकाल लेना. ओके. हमारे लिए भी कॉफी ले आना. चल चले. सो आराधना नहीं नजर आ रही रियांश? मेरे लिए इतने लोग ऑफिस काम करते हैं, कोई है नहीं. आराधना नहीं है, कमाए नहीं है. वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो जैसे मिलने. देखा मैंने, जैसे मिलने. और तुम्हारा क्या? हाँ यार, ये लॉन्च करने के बाद फिर नई स्टोरी. तुम अपनी स्टोरी में तो आगे बढ़ाओ आराधना के साथ. मेरी और आराधना, आई मीन या ओ कम ऑन विक्रम, मुझसे थोड़ी कुछ छुपा हुआ है. आई कैन सी इट इन योर आईज. यू नो, सामने वाले की नजरों में बस आप ही बसते हो, मुझे दिखता है. नहीं यार, मेरे और आराधना के बीच इतना इजी नहीं है. कम ऑन विक्रम, तो फिर मुझे कैसे देखा? हाँ मैं कह रही हूँ ना, वो सचमुच तुम्हें बहुत चाहती है. उप्स, I'm sorry, sorry. मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया शायद. But you know, तुम और जय इतने अच्छे दोस्त हो और मैं और वो, तो मुझे लगा मैं इतना तो तुमसे कह ही सकती हूँ. Anyways, thank you for your concern. Anytime. I'll see you. Yeah, take care. Yeah, take care. बहुत भोली बनती है वो आराधना. दोनों लड़कों को फंसा रही है. अब दोनों को लगेगा कि वो उनसे प्यार करती है और शादी तय होगी दोनों बहनों से. तुम देखना आराधना, इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार बनाऊंगी तुम्हें. कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार. तुम्हारे इन दो बीमारों को तुमसे इतना परहेज कराऊंगी कि दे विल हेट यू सो मच. मेरी बेटी को क्यों ये सजा मिल रही है? सब ठीक हो जाएगा मान लीजिए. कैसे? ये ठीक होने वाली चीज नहीं है. बिना शादी के मां बनना क्या होता है तुम नहीं समझ सकोगी. अंगद ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है. हम दोनों की शादी टूटी है ये बात पूरी दुनिया जानती है. मेरी किम्मी पहले से इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है और अभी अकेले पूरे समाज को फेस करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए. एक बिन ब्याही माँ का कोई दर्जा नहीं होता है समाज में. किमाया भी आराम करिए, फोन जाए फिर हम उससे उससे बात करते हैं. मैं बात नहीं कर पाऊंगी.
नहीं कर सकती, मैं इस वक्त उसके सामने नहीं जा सकती। मेरी बेटी के नसीब में यही लिखा था, यही भगवान की नियति है, क्या ये मेरी सजा है जो मेरी बेटी को मिल रही है? आज आपके इस दर्द को देख के मैं समझ पा रही हूँ कि आप पे क्या बीती होगी। आप शायद अकेली थी, शायद आपके लिए रोने वाला कोई नहीं था। माँ, शादी के बिना आपने एक बच्ची को जन्म दी और उसे हमेशा के लिए अपने आप से अलग कर दिया। आपकी आंखों में कि माया के लिए वो डर दिख रहा है मुझे, और मेरे लिए भी तो आपने कितने आंसू बहाए होंगे ना, जब आपने अपने एक दिल के टुकड़े को भक्ति माँ को सौंप दिया। आपने मुझे एक माँ का स्नेह दिया, फिर चाहे वो आपका नहीं था, किसी और माँ का था। आपने मुझे पैदा करने की हिम्मत दिखाई, वही हिम्मत आपको किमाए के लिए भी दिखानी होगी। हराना, इस बात का किसी को पता नहीं होना चाहिए, प्लीज किसी को मत बताना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मान लीजिए। और किमाया, उससे कुछ मत कहना। हम पहले एक प्रॉब्लम से निपटते, फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे। आपको जरा भी आइडिया है ये MMS किसने भेजा है? कौन भेज सकता है? कौन कर सकता है ये, और क्यों? मैं कुछ नहीं जानती, हराना प्लीज, अब तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। मैं आपकी मदद करूंगी माँ। मालिनी जी, मैं हूं आपके साथ। सबसे पहले हमें इस न्यूज को बाहर निकलने से रोकना होगा। आपने मुझे बेटी कहा है ना, तो उस हैसियत से कि माया मेरी छोटी बहन हुई, तो मैं प्रोटेक्ट करूंगी उसे। शाम को जो बुलेटिन होने वाला है, वो कौन कौन कर रहा है? विक्रम। तो प्लीज आराधना, प्लीज तुम उससे बात करो, उसे समझाओ, उसे धमकाओ, उसे बताओ कि ये 9 बजे वाली न्यूज किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए। वो किसी की नहीं सुनेंगे। वो आप प्लीज वीरेन अंकल से कहिए ना। वो नहीं, वीरेन सिरे, ये बात किसी और को पता नहीं होनी चाहिए। तुम प्लीज विक्रम से बात करो, आराधना प्लीज विक्रम को समझाओ। मैं फोन करती हूँ। हाय, दिस इज विक्रम कुमार। अगर कोई और मुझे फोन कर रहा है तो मैं लंच पे बिजी हूँ, और अगर आराधना तुम मुझे फोन कर रही हो, 14 घंटे बचे तुम्हारे पास, सिर्फ 14 आवर्स। ओके, क्या हुआ? अब वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। आराधना मुझे फोन क्यों कर रही है? उसे तो यहाँ होना चाहिए था। नहीं अंकुश, आराधना को फोन कर रहा है। मैंने सेगमेंट बोला था, वो कर रही, मैं खुद करूँगा। अरे रिलैक्स ब्रो, तूने उसे किस स्टोरी के लिए भेजा है? तो अपने काम से काम रखना है। क्या बोला है, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तू फोन कर उसको ना, प्लीज यार, कम ऑन। अच्छा मेरे भाई, मुझे तो बता तूने किस किस को कौन से असाइनमेंट के लिए भेजा। देख तू वैसे आराधना से बहुत पंगे लेता ही रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने वो सलोम वाली स्टोरी का बदला लेने के लिए उसे किसी नॉन स्टोरी के पीछे भेज दिया? पंगा मास्टर है हमारा दोस्त। नो प्लीज, तू ना लूजर वाली बातें मत कर, किसी से पंगा नहीं ले रहा हूँ मैं। तू काम कर, आराधना को कॉल कर। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, चिल, आई ट्रस्ट यू। आई डोंट नीड योर ट्रस्ट ब्रो, सॉरी मैन, ये सब अंकुश की वजह से। ब्रो तुझे पता है ना वो लड़कियां क्या कह रही थी, जय और वीरू, मतलब जय और विक्रम की जोड़ी है, तू समझ रहा है ना? तू क्यों बसंती बन रहा है? अच्छा अच्छा गाइस, लेट्स काम डाउन ना, मुझे काउंटडाउन बिगिंस राइट नाउ, तो जरा टेंशन फ्री होके काम करते हैं। यस गाइस, देखना ये शराब की लीगल न्यूज ऐसा तहलका मचाएगी ना, शहर के सारे बिजनेसमैन को ना हिला के रख देगी। अगर ना हिलाए, मेरा नाम विक्रम कुमार नहीं। पर ये डिमांड आई कहाँ से? आप जानती हैं उन्हें? आपको जरा भी अंदेशा है कि कौन हो सकता है? मैं नहीं जानती, पर वो जो भी है जरूर खन्ना परिवार का दुश्मन है, जिसने हम माँ बेटी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वो MMS और मुझे खत भेजा। क्या मतलब? आपको खत भेजा मतलब? ये तो फोन पे कोई और बात भी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आराधना, तुम प्लीज विक्रम से बात करो, उसे
उसे कहना कि एक माँ उसके सामने हाथ जोड़ के उससे विनती कर रही है। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मान लीजिए आपको किसी के सामने सर झुकाने की हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात करूंगी उनसे, ये न्यूज लाइव नहीं जाएगी। आप घबराइए मत, हम के माया को कुछ नहीं होने देंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।